बनाने जा रही है। बस थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। आपको तो सीएम बनना चाहिए था। मुझे कुर्सी की कोई लालच नहीं। देखिए, 8 बार मंत्री और 4 बार एमएलए रह चुका हूं मैं। आवाम की सेवा करने में ही मुझे सुकून मिलता है। नमस्कार, बैठिए बैठिए। आपने क्या सोचा है? जीवन में बस दो ही इच्छाएं रह गई हैं। पहला आनंद ग्राम बसाना और दूसरा अपने बेटे को मिनिस्टर बनाना। ये आनंद ग्राम क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार, इन सारे प्रदेशों में मैं अनेकों अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम चला रहा हूं। बस यहां शुरू हो जाए। उन्हें रोटी और मकान तो दे दिया, पर खुशी और प्यार नहीं बांट पा रहा। पुरखों से मिली 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को बेच के 3,000 एकड़ की जमीन पर एक गांव बनाना चाहता हूं। अनाथाश्रम के सारे बच्चे और वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को उस गांव में शिफ्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं भी वहीं रहूंगा। अनाथों को माँ बाप का प्यार, जिन बुजुर्गों को औलादों का सम्मान नहीं मिला, मैं उन्हें वो सम्मान दूंगा। यही मेरा सपना है। इसी वजह से इस प्रोजेक्ट का नाम आनंद ग्राम है। अभी बहुत जल्द पूरा होगा। आज मैं यही अनाउंस करने वाला हूं, और मेरा दूसरा सपना वो तो आज ही पूरा हो जाएगा। वो देखो, मैं आदित्य भूपति शपथ लेता हूं। मैं आदित्य भूपति ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत राज्य द्वारा बनाए गए संविधान का पूरी निष्ठा से पालन करूंगा। इस प्रदेश के मंत्री के रूप में अपने राज्य के प्रति अपने सभी कर्तव्यों को श्रद्धा पूर्वक और पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा। मैं भारत की अस्तित्वता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेता हूं। बिना किसी डर के, बिना लालच के, पक्षपात के बिना, धर्म निरपेक्ष रहकर, पूरी ईमानदारी के साथ, सांप्रदायिकता की भावनाओं से ऊपर उठकर इस राज्य की सेवा करूंगा। होम सेक्रेटरी, आईएएस, आपकी तारीफ आज तक किसी ने की ही नहीं, क्या बोलूं? शर्ट बड़े भाई का पहना है क्या? धोबी से एक दिन के लिए उधार पर लिया। दिल में एक डर सा है कि इनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा या नहीं। यही डर तो बताता है कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो चुका है। आदित्य, आज मैं सचमुच बहुत खुश हूं। तुम मिनिस्टर बन गए और मैं लोगों को आनंद ग्राम का तोहफा देने जा रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चलना चाहिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर, हमारी कॉलोनी में पूजा है, आशीर्वाद देके जाइए। अच्छे काम के लिए कभी मना नहीं करते बेटा, जाओ। जैसे आज्ञा पिताजी। नमस्ते।